नमस्कार दोस्तों, सर ये गाल आज मेरे पास है हीरो HF 100। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लुक एट द क्वालिटी एंड द वे वी प्रेजेंट आर वीडियो, वी प्रेजेंट आर प्रोडक्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है। चलते हैं सीधा फटाफट से वीडियो पे। हमारी ये जो प्यारी सी 100cc की गाड़ी है, इसके फ्रंट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है हीरो का लोगो। थोड़ा सा नीचे आओगे तो भाई आपको हेलोजन वाली लाइट मिलती है और साथ ही साथ इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको हेलोजन मिलते हैं। नीचे यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और इसका जो टायर है, टायर के अंदर अभी आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने मिलेगा। ये चीज़ें जो हैं ये इस गाड़ी में ऑलरेडी है, अभी भी आती है। इंजन की तरफ आता हूँ, साइड प्रोफाइल से इसके इंजन की तरफ हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ 100cc इंजन। जितनी भी स्पेसिफिकेशन है मैं आपको यहाँ पर राइट में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे जगह जगह पर, अलग अलग जगह पे यहाँ पे ब्रांडिंग्स आपको नोटिस हो। टैंक के ऊपर आपको यहाँ पे एक ब्रांडिंग देखने मिलेगी, यहाँ पर एक नीचे काउल के पास आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको ड्यूअल सस्पेंशन नीचे देखने मिलेगा। साड़ी गार्ड है, 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है ये गाड़ी। एक नॉर्मल कम्यूटर में हमेशा एक ग्रैब रेल होती है, इसके अंदर भी वो ग्रैब रेल यहाँ पे दी हुई है। पीछे इंडिकेटर्स है, लाइट है, सेम है। साइलेंसर भी यहाँ पर आपको वही देखने मिलेगा, नो चेंजेस एट ऑल। इस गाड़ी में अब आपको मिलती है ये किक वाली फीचर, यानी कि इसके अंदर अब कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप i3s कुछ भी नहीं है। ये एक प्रॉपर कम्यूटर बाइक है जो हमारे बचपन में आया करती थी, और रिलायबिलिटी के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट बाइक। यहाँ पर आते हैं सीधा ऊपर। मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी भी वही पुराना वाला मीटर कंसोल आता है यहाँ पर, लेकिन साइड स्टैंड की कट ऑफ लाइट मिलती है, न्यूट्रल का ऑप्शन मिलता है, इंजन चेक और साथ ही साथ आपकी हाई बीम लो बीम यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। राइट हैंड साइड में क्वाइट लिटरली एक भी बटन नहीं है। यहाँ से आपको कोई सेल्फ स्टार्ट, i3s तो दूर की बात है, सेल्फ स्टार्ट भी नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स है और यहाँ पर हॉर्न है। हॉर्न आपको मैं बजा के सुना देता हूँ। यार ये पता नहीं इन गाड़ियों को आजकल क्या हो गया, मैं इनके हॉर्न को बिल्कुल भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये गाड़ियों को जस्टिफाई नहीं करती। और जब आप सिटी में बाइक चलाते हो ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हॉर्न, हॉर्न का कितना लाउडनेस है, कितना ज़्यादा वो चुभता है, क्योंकि उसी की वजह से फिर बंदा जो है वो पीछे पलट के देखता है। लेकिन इस गाड़ी में लुक एट दिस, इस गाड़ी के अंदर आपको वैसा हॉर्न कहीं तो मिस है, थोड़ा सा मिस। HF डीलक्स लेने के 3 ऑप्शन है जिसके लिए आप लेते हो। सबसे पहले इसका कम वेट, लाइट वेट गाड़ी है। दूसरी बात कम्यूटर, ये अगर आप सिटी में चलाते हो या फिर आप कोई एक प्रॉपर गाड़ी लेना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, उसके लिए हम लोग ये गाड़ी लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी रिलायबिलिटी। मैं सच बताता हूँ, मैं जो ये सारी गाड़ियाँ होती है ना, HF 100, पैशन, ये सारी जो गाड़ियाँ होती है उसके ऊपर आई एम मच मोर रिलायबल रादर देन ऑन माई बाइक्स, क्योंकि गर्मी के अंदर वो सारी गाड़ियाँ एक भट्टी की तरह बन जाती है। जो ये बहुत ही प्यार से चलती है, बहुत ही स्मूथ चलती है, माइलेज इसका बहुत अच्छा होता है, इसके लिए लोग इन गाड़ी को प्रेफर करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसी अगर आपको कम्यूटर बाइक्स पे और वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं खुद भी ये सारी जब बाइक्स रिव्यू करता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, हमारी फैमिलीज़ में ये सारी बाइक हुआ करती थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए।